अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू WS स्टूडियो। ओ लेवल ग्लोबल परस्पेक्टिव जो है उसका आज की ये जो सेकंड वीडियो है टीम प्रोजेक्ट के लिए, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको उसका पैटर्न समझाया था और मैंने साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के साथ जो है मॉडल रिफ्लेक्टिव पेपर जो है वो शेयर करूँगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं मॉडल रिफ्लेक्टिव पेपर जो है वो लेके आया हूँ, जिसके अंदर आपने दो मॉडल रिफ्लेक्टिव पेपर देखने हैं। नंबर वन जो रिफ्लेक्टिव पेपर होगा वो होगा टीम एलिमेंट का, यानी एक पूरी टीम ने रिफ्लेक्टिव पेपर लिखना होता है और एक जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, जिसको हर मेंबर जो है ऑफ द टीम उसने लिखना होता है। तो जो टीम एलिमेंट होता है जिसको हम टीम का रिफ्लेक्टिव पेपर बोलते होते हैं, ये 300 वर्ड्स का हो सकता है और ये एक ही फाइल होती है। तो सबसे पहले आप टीम एलिमेंट टीम रिफ्लेक्टिव पेपर देख लें, और वो बच्चे जिन्होंने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले मैं उनसे ये मैं रिकमेंड उनको ये करूँगा कि वो प्रीवियस वीडियो देखें जिसके अंदर वो इनका फॉर्मेट देखें और फिर उसके बाद इसको देखेंगे तो उनको सही समझ आएगी। अच्छा जी, अब टीम रिफ्लेक्टिव पेपर के अंदर जो मेन चीज़ें हैं, सबसे पहले आपने अपने टॉपिक को डिफ़ाइन करना होता है। जो आपका टॉपिक है उसका आपने लाजमी बताना है शुरू में फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही, और उसके बाद फिर आप अपने एम बताते हैं कि आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस रिसर्च के अंदर। फिर आप अपनी पूरी टीम का आउटकम बताते हैं कि आपने पूरी टीम ने मिल के आउटकम क्या बनाए, क्या वो इंटरव्यूज़ थे, कोई सर्वे था, क्वेश्चनेयर था, लीफलेट था, वेबसाइट बनाई, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई, या जो भी चीज़ जो जिस तरह से भी आपने जो है आउटकम बनाई है वो चीज़ आप उसके अंदर बताते होते हैं। और फिर उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ बताते हैं, फिर अपनी वीकनेसेस बताते हैं, एंड लास्ट पे आपने इसमें क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव के साथ साथ आपने इसमें कोर्स ऑफ एक्शन बताना है और अपनी जो लर्निंग यानी अपना रिफ्लेक्शन जो है वो इसमें बताना होता है। तो अब ये मॉडल देख लेते हैं इसका प्रॉपर। ये जो रिपोर्ट आपके सामने है, लास्ट टाइम ही ये बच्चे अपेयर हुए थे तो दे ऑल गॉट ए स्टार्स, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जो कॉपी करना का सोच रहे हैं उनके लिए कि ये चीज़ ऑलरेडी सिस्टम में ऐड है, तो ये गलती से भी आप लोगों ने इसको जो है ना कॉपी नहीं करना। हाँ, आइडिया ज़रूर लें। जैसे यहाँ पे देखिए, इन्होंने शुरू में अपने टॉपिक बताया ह्यूमन राइट्स जो हैं इसके ऊपर इन्होंने बात की थी और उसके अंदर वुमेन राइट की ये बात कर रहे थे। तो पहले शुरू में आपने उस चीज़ को बताना है, एंड देन उसके बाद आपने एम बताने हैं आपके, अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस रिसर्च के अंदर, इन्होंने भी उस चीज़ को डिफ़ाइन किया, और देन उसके बाद आप अपनी आउटकम बताएंगे। इन लोगों ने वेबसाइट बनाई थी और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इन्होंने की थी। तो आप भी अपना जो भी आपका काम हुआ है उसके अंदर सर्वे किए हैं, आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, या जो भी जिस रिलेटेड आपने आउटकम बनाई है वो सारी बातें आप यहाँ पे लिखेंगे। क्रॉस कल्चर आप लाजमी मेंशन करना होता है, ये कंपलसरी पार्ट होता है कि आपने बाकी जो अपनी कंट्री के अलावा बाकी दूसरी कंट्री से जो है इस टॉपिक को कैसे आपने जो है वो उसके साथ कम्युनिकेट किया है और उसकी जो फाइंडिंग है वो आपने क्या ली है वो लाजमी आपने बतानी होती है। एंड देन उसके बाद इस चीज़ के अंदर आपने स्ट्रेंथ एज अ टीम बतानी है, फिर वीकनेसेस एज अ टीम बतानी है कि क्या क्या चैलेंजेस जो आपको फेस हुए और आपने उनको कैसे ओवरकम किया, और ओवरऑल लर्निंग जो है ये बतानी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर यानी जो टीम एलिमेंट होता है, टीम रिफ्लेक्टिव पेपर होता है, इसके अंदर बिब्लियोग्राफी नहीं आती और इसके वर्ड ओनली 300 होने चाहिए। इससे ज़्यादा ना आपने वर्ड लिखने हैं ना इसके अंदर आपने बिब्लियोग्राफी लिखनी है। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो समझते हैं कि रिफ्लेक्टिव पेपर हो गया, टीम का हो गया, तो चलो अब अपना नहीं लिखते। ऐसा नहीं होता, हर बंदे ने अपना रिफ्लेक्टिव पेपर भी लिखना होता है। इस रिफ्लेक्टिव पेपर के आपके सिर्फ 4 मार्क्स हैं, 6 मार्क्स आपको मिलेंगे आपके जो कोलैबोरेशन है उसके, तो ये 10 मार्क्स आपके सिर्फ बनेंगे। और जो इंडिविजुअल रिफ्लेक्टिव पेपर होता है जो 750 से 1000 वर्ड का होता है, उसके एक्चुअल नंबर होते हैं वो 60 मार्क्स का वो पेपर होता है, वो मेन चीज़ है वो जी। तो अब हम देखते हैं रिफ्लेक्टिव पेपर, ये रिफ्लेक्टिव पेपर जो है ये इंडिविजुअल रिफ्लेक्टिव पेपर होगा। अब इंडिविजुअल रिफ्लेक्टिव पेपर के अंदर इंडिविजुअल यानी आपने अपने आप को बताना है, तो यहाँ सबसे पहले आप अपने आप का अपना जो टास्क था, अपना जो रोल था वो बताएंगे टॉपिक के साथ साथ। जैसे इस बच्चे ने बताया अपना नाम लिख के, फर्दर आप बताएंगे कि आपको क्या टास्क असाइन किया गया, आपका टॉपिक क्या था, आपकी आउटकम के अंदर जो 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 रोल आपके थे, आपने उस आउटकम के अंदर क्या क्या रोल परफॉर्म किए वो सारे बताने हैं। देन उसके बाद आपने जो क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव है उसको बताना है कि आपने क्या क्रॉस कल्चरली कैसे काम किया, और उसके बाद फिर आपकी एज अ इंडिविजुअल अपनी टीम के मेंबर होते हुए स्ट्रेंथ क्या रही वो बताएंगे, फिर आपने क्या मेजर चैलेंजेस जो हैं उनको फेस किया उनको आपने बताना है, और फिर उसके बाद आप उसके अंदर बताएंगे अपनी लर्निंग यानी रिफ्लेक्शन बताएंगे कि आपने इस पूरी रिसर्च के दौरान क्या लर्न किया है। और एक चीज़ जो लाजमी बतानी होती है वो होते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, तो वो आपने बताना है कि आप अपने इस इशू को जिस इशू के ऊपर आपने रिसर्च की है इस इशू को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में।
तो वो बताने के बाद इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बिब्लियोग्राफी, और उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ऑर्गेनाइज करके आपने बताना है। जैसे इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्टिव पेपर आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। बिब्लियोग्राफी में आपने अगर कोई इंटरनेट सोर्सेज यूज़ किए हैं तो वो बताइएगा, कोई बुक्स आपने पढ़ी हैं इससे रिलेटेड उनको बताना है, कोई आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, कोई आपने इससे रिलेटेड कोई भी और चीज़ जो आपने की है आपको लगता है, तो उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे जो है वो मेंशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिव पेपर। आपके सामने ये मॉडल आंसर आपके सामने है, इनको लिखें, इसमें किसी किस्म की कोई हेजिटेशन जो है वो आपकी नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना, किसी का कंटेंट आपने यूज़ नहीं करना, भी वो प्लेजरिज्म में आ जाएगा और वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए कर सकती हैं। और वो बच्चे जो चैट जीपीटी के अंदर ये करने की कोशिश करेंगे, उसको रिफ्रेज करेंगे, उनके लिए मेरा एक मशवरा है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे प्रीवियस बैच के अंदर थे, रिफ्रेज किया उन्होंने सारी चीज़ों का, तो उनके ग्रेड के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। यानी वो ए स्टार डिज़र्व करने वाले बच्चे सी और डी वाली चीज़ों में चले गए इस एक छोटी सी गलती की वजह से। तो ओवरऑल ग्रेड तो अच्छा इंशाल्लाह आएगा आप लोगों का, क्योंकि ये मुफ्त का एक ए स्टार होता है ये वाला पूरा जो सब्जेक्ट है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए जनाब, इस तरह से ये चीज़ें आप खुद से करें। ज़्यादा फोकस आजकल आज इन इन दिनों के अंदर आप अपने रिफ्लेक्टिव पेपर को दें, जितना जल्दी हो सके अपने रिफ्लेक्टिव पेपर बनाएं, टीम के बनाएं, और अपने इंडिविजुअल लोग जो हैं उनके सब के बनाना शुरू कर दें आप लोग। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।